गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। कल हम डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि सारे एक्ट्स जो आए थे 1857 1867 तक के एक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। अब हम आज डिस्कशन आगे के एक्ट्स करेंगे, और एक हमारा जो इम्पोर्टेंट था कल हम बात करने वाले थे लाइब्रेरी मूवमेंट का, तो हम बात करेंगे लाइब्रेरी मूवमेंट का। तो देखिए, उस समय एक मूवमेंट चला लाइब्रेरी मूवमेंट, इसको मूवमेंट कहा गया। बेसिकली ये लाइब्रेरी मूवमेंट के नाम से फेमस नहीं हुआ, मतलब इसको ये नहीं कहा गया कि हम एक लाइब्रेरी मूवमेंट स्टार्ट करें, एक प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, उसी को लाइब्रेरी मूवमेंट कह दिया गया। हुआ क्या कि जब ये न्यूज़पेपर छपने स्टार्ट हुए तो दूर दूर तक ये न्यूज़पेपर्स पहुंचने लगे, गांवों तक न्यूज़पेपर को पहचाना जाने लगा, रिमोट विलेजेस तक, बहुत दूर दूर के विलेजेस तो में ये न्यूज़पेपर पहुंचा। और उस न्यूज़पेपर में होता क्या था कि एक इंसान उस न्यूज़पेपर को पढ़ता था बाकायदा उस शहर में या उस गांव में, और उसके आस पड़ोस के लोग जो अनएजुकेटेड लोग थे उसके पास गैदर्ड होकर बैठते थे उस न्यूज़पेपर की पॉलिसीज को सुनने के लिए, और फिर सोशल डिस्कशन हुआ करता था, फिर उनके बीच में एनालिसिस हुआ करती थी गवर्नमेंट के पॉलिसीज की, गवर्नमेंट के एक्ट्स की। तो इसी मूवमेंट को, और ये हर जगह जगह पे होने लगा, गाँव में होने लगा, शहर में लाइब्रेरीज में लोग इकट्ठा होने लगे सुनने के लिए, और डेली काफ़ी अच्छी भीड़ जमा होने लगी हर जगह जहाँ न्यूज़पेपर पढ़ा जाता था। लोग बहुत ही एंथुसिएज्म के साथ वहाँ पहुँचते थे जानकारी के लिए, लोग डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, लोग हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे, मतलब उनको खबरों को जानने की चाहत बढ़ने लगे। तो इसी पूरी एक्टिविटी को देश में लाइब्रेरी मूवमेंट का नाम दिया गया। ठीक है, लाइब्रेरी मूवमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, अनएजुकेटेड लोगों के पास भी रियल इंटेंशन पहुँचे पॉलिसीज के, वहाँ पे सोशल डिस्कशन हुए, उनके रिजल्ट निकलते थे, एंड देन उस सही खबर उन तक पहुँची, सारा फैक्ट उन तक पहुँचा क्या होना चाहिए, सारे एडिटोरियल्स के रिजल्ट सब कुछ उन पर क्लियरली बहुत मेंशन किया गया, उनको बताया गया पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। ये सारी चीज़ें, इस पूरे प्रोसेस को हमने लाइब्रेरी मूवमेंट कहा। ठीक है, तो ये था लाइब्रेरी मूवमेंट। अब इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को समझ चुके थे कि भाई इससे तो लोगों को सही इंटेंशन पता चल रहा है, जो एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, जो न्यूज़ छप रही है वो उनके पॉलिसीज के खिलाफ लोगों को बता रही है। इसके पहले तो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, लोगों को अपनी पॉलिसीज दिखाते थे, कुछ और होती थी कुछ और, जैसे एजुकेशन पॉलिसी 1813 में लाई गई, 1,00,000 रुपये देने का कहा गया कि एनुअली हम 1,00,000 रुपये देंगे। 1835 में लॉर्ड मैकेले आते हैं, उन्होंने भी एजुकेशन कहा, लेकिन वो एजुकेशन का इंटेंशन क्या था, तो वो अपने लिए एक सोशल क्लास बनाना चाहते थे, वो अपने लिए एक सेक्शन बनाने चाहते थे जो ब्रिटिश के अंडर में काम करे, ब्रिटिश के पॉलिसीज को इंटरप्रिटेट करें वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में लोगों तक बातों को पहुंचाए, क्योंकि हर इंसान इंडिया में इंग्लिश नहीं समझता था, उसमें बहुत अन एजुकेशन थी, और यूरोप की तो लैंग्वेज ही इंग्लिश थी। तो उनको इस देश को रूल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी, ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इनके बीच का इंटरप्रेटर का काम करे, यहाँ के लोगों के बीच का और वहाँ के बीच के इंटरप्रेटर का काम करे। तो उस इंटरप्रेटर के काम के लिए लोगों को उन्होंने हायर करना स्टार्ट किया, एजुकेट करना स्टार्ट किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ना कि यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को फ्लरिश करने के लिए। ठीक है, हम इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पे भी हम क्लासेस अलग से लेंगे, 2-4 क्लासेस पे लगेगा, फिलहाल अभी हम बात करते हैं इस पर। तो इस चीज़ों को देख के बड़ी दिक्कत होने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम इस चीज़ों को कंटिन्यू रहने देते हैं जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो फिर उनकी पॉलिसीज का रियल इंटेंशन लोगों के पता चलेगा और पब्लिक रिवॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है। उन्होंने अमेरिका में रिवॉल्यूशन देख चुका था, उनको फाइनली 1776 में अमेरिका को इंडिपेंडेंट घोषित करना पड़ा था, तो वो बहुत डरते थे कि इस तरह का रिवॉल्यूशन इंडिया में भी देखा जा सकता है अगर रियल पिक्चर हमारी अपीयर, हमारे रियल बातें हमारे लोगों के तक पहुँचती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बेसिकली जो इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स थे उन्होंने तो कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर को छोड़ दिया था, जैसे हिंदू टाइम्स सुब्रमण्यम का, या कुछ और भी न्यूज़पेपर्स जैसे हुआ करता था तुम्हारा मराठाज हुआ करता था, बाल गंगाधर तिलक का, इन न्यूज़पेपर्स को छोड़ दिया था, तो बाकी जो न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते थे या पब्लिश होते थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के होते थे, तो वो तो ज़्यादा क्रिटिसाइज इंडिया का नहीं करते थे, लेकिन जो ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती थी वो उन न्यूज़पेपर्स में होती थी जो इंडियन न्यूज़पेपर्स थे, इंडिया के लोगों ने जो न्यूज़पेपर प्रिंट किया था, जो एडिटोरियल्स इंडियन पीपल्स एडिट करते थे, इंडियन जर्नलिस्ट करते थे, उसमें उनकी ज़्यादा उनकी ज़्यादा कंडेम्शन होती थी। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि लॉर्ड लिटन आते हैं। ठीक है, लॉर्ड लिटन जब गवर्नर जनरल बनते हैं तो लॉर्ड लिटन लेके आते हैं जो प्रेस एक्ट, उसको कहा जाता है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नैकुलर
vernacular present. 1878, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1870, वर्नाकुलर का वर्ड का मतलब होता है लोकल, ठीक है। 1878 पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया लॉर्ड डिटन के द्वारा। लॉर्ड डिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू क्या किया कि ही डायरेक्टली अटैक ऑन द न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर में अटैक किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कुछ पॉलिसीज ऐसी थी कि उन्होंने पहली बात तो एक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई किस पे, इंग्लिश सॉरी हिंदी न्यूज़पेपर्स पे, हिंदी इनफैक्ट नहीं वर्नैकुलर प्रेस न्यूज़पेपर्स है, वर्नैकुलर का मतलब जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे उन पे उन्होंने वो लगाया, रिस्ट्रिक्शंस लगाया। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या थे, देखिएगा रिस्ट्रिक्शंस ये थे कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को ये ऑर्डर दिया गया कि डीएम ही इस चीज़ों को रेगुलेट करेगा। डीएम क्या करेगा कि उनके पब्लिशर के साथ या उनके जो पब्लिशिंग हाउस है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में उसमें क्लियरली ये मेंशन रहेगा कि पहली बात तो आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छापेंगे जो कि गवर्नमेंट की डिसअफेक्शन करें, डिसअफेक्ट करें। दूसरी चीज़, उस डीएम को उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू राइट भी रहेगा कि जो भी चीज़ अगर उसे लगती है कि वो सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन है या लोगों को सरकार के खिलाफ बढ़ाया जा सकता है तो उसी वो न्यूज़पेपर को तुरंत वो बंद कर सकता है, ठीक है। तो इट विल बी नाउ द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी गिवन टू द डीएम, सारे कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर चाहेगा कि चीज़ें गलत हो रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये बात लगेगी कि जो न्यूज़पेपर है वो डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहा है तो वो तुरंत उस पेपर को फोर्टिफाइड कर देगा, तुरंत उस पेपर को पब्लिशर को सीज कर देगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या कहा गया कि जो न्यूज़पेपर्स होंगे या जो पब्लिशर्स होंगे उनको सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और वो सिक्योरिटी मनीज अगर डिसअफेक्शन वो न्यूज़पेपर वह पब्लिशर क्रिएट करता है लोगों में फैलाता है तो वो जो आपकी सिक्योरिटी मनी सबमिट होगी वो पूरी फोर्टिफाइड हो जाएगी, पूरी कन्फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पावर दी गई डीएम को पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ इस रेगुलेशन में दिया गया कि जो डीएम का पावर होगा वो फाइनल होगा एंड नॉट अपील्ड, नॉट अपील्ड इन एनी कोर्ट, नॉट अपील्ड इन एनी कोर्ट, ठीक है। अब डीएम अगर किसी चीज को डिसाइड कर दिया कि ये पब्लिकेशन हो रहा है या इस पब्लिक मतलब इस पब्लिक को हमने क्या किया है डीएम ने अगर कह दिया सीज करने को तो जो डिसीजन होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो फाइनल होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो सबमिशन होगा वो फाइनल होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसी भी उसके डिसीजन को किसी भी कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता था हाई कोर्ट में। इसी एक्ट को फिर ये कुछ इस तरीके का एक्ट था, ये बहुत ही रेगुलेटिंग एक्ट था और जनरली इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया था इंडियन न्यूज़पेपर के साथ, इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ ऐसी कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी नहीं। ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई किस पे, तो वर्नैकुलर प्रेस लैंग्वेजेस पे, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस की जो प्रेस थे उन पे लगाया गया, ठीक है। तो काफ़ी लोग इस पे काफ़ी न्यूज़पेपर्स इस पे बंद हो जाते हैं इस एक्ट के थ्रू। कुछ न्यूज़पेपर, एक हमने बताया था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेपर था अमृता बाजार पत्रिका, इसने रातों रात अपने न्यूज़पेपर को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया था। अगले दिन मतलब वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को प्रिंट होते ही अगले दिन जो अमृता बाजार पत्रिका थी वो इंग्लिश में प्रिंट होने लगी थी अपने आप को इस एक्ट से बचाने के लिए, ठीक है। इस एक्ट को एक और इस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, GAGING गैगिंग एक्ट, ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, इसी कारण डिस्क्रिमिनेशन जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के साथ और इंग्लिश के साथ किया गया था उसी की वजह से इस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा देश में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होते हैं, मतलब देश में बहुत ज्यादा लोग इसके खिलाफ होते हैं। तो फाइनली 1882 में लॉर्ड डरबन गवर्नर जनरल बनते हैं, इट वॉज रिवील्ड इन 1882, ठीक है। रिवोक्ड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रिवर्ट कर दिया जाता है, कौन रहता है तो उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड डरबन रहते हैं, ठीक है 1882 में। अब 1882 में क्या किया जाता है कि एक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होता है जो इस न्यूज़पेपर्स के डिफेक्शंस को या गलत एडिटोरियल्स को चेक करेगा, ठीक है। तो एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है जिसको प्रेस कमिश्नर कहा जाता है, फाइनली तो प्रेस कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है लॉर्ड डरबन के द्वारा
कि अब जो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करता था वो काम करेगा, कौन प्रेस कमिश्नर करेगा, किसी भी न्यूज़पेपर का किसी भी न्यूज़पेपर को बंद करने का या जो भी काम होगा वो अब कौन करेगा, तो वो एक प्रेस कमिश्नर करेगा, प्रेस कमिश्नर। प्रेस कमिश्नर की पोस्ट स्टार्ट की गई, ठीक है। अब देखिएगा 1882, अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और मूवमेंट ये है कि इसमें क्या क्या किस तरीके से दिक्कतें आई लोगों को, मतलब इंडियन नेशनलिस्ट ने इसको कैसे अप्रोच किया और इन प्रोसेस को कैसे अप्रोच किया और उनपे क्या एक्शंस लिए गए, ठीक है। देखिएगा ये न्यूज पेपर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज पेपर छपे थे, हिंदू और स्वदेश मित्रा था जी सुब्रमण्यम का, द बंगाली था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, द वॉइस ऑफ इंडिया था दादा भाई नेहरू जी का, अमृता बाजार पत्रिका सुशील कुमार घोष, द मिरर एनएल सेन, मराठा इंग्लिश लैंग्वेज और केसरी मराठी लैंग्वेज में बाल गंगाधर तिलक का था, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का था। ये इतने न्यूज पेपर थे जो अर्ली 19th century में छपे, ठीक है। अभी बाद में और न्यूज पेपर छपेंगे गांधी जी की एरा में, गांधी जी अपना न्यूज पेपर छापेंगे अपने हिसाब में, गांधी जी का निकलेगा, तो वो सारी चीजें बात की। ये अर्ली 19th सेंचुरी के न्यूज पेपर थे जो इस समय छपे थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय के न्यूज पेपर थे, जब मेडिकल फैक्ट के बाद जब लिबरलाइजेशन हो जाता है थोड़ा सा न्यूज पेपर का रिजर्वेशन, तो और भी बहुत से न्यूज पेपर छपे थे, हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर लिखे हैं, ठीक है। तो उसको हम रफ कर रहे हैं इसलिए ताकि आगे हम बढ़ सकें आपके लिए, ठीक। तो हम बता रहे थे क्या कि हाँ सूर्य, अब देखिएगा 1883 में क्या होता है कि 1883 में पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि जिसका न्यूज़पेपर कौन सा है बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने न्यूज़पेपर दी बंगाली में एक एडिटोरियल लिखा, और इस एडिटोरियल में क्या किया कि उन्होंने वहां के जज को कंडेम किया था, जज के डिसीजन को कंडेम किया था अकॉर्डिंग, मतलब कि ये बोला था उसने कि उसने वहाँ के लोगों के रिलीजियस भावनाओं को, रिलीजियस अफेक्शंस को नहीं समझाया, उसको हर्ट किया है। एक डिसीजन था किसी केस का, उसमें उसने कुछ डिसीजन दिया था, तो अपने एडिटोरियल में उन्होंने क्या किया था कि इसी गवर्नमेंट के जजमेंट को क्रिटिसाइज किया था। इस गवर्नमेंट के जजमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए 1883 में पहली बार सुरेंद्र बनर्जी को जेल किया गया था, सुरेंद्र बनर्जी को पहले इम्प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, इम्प्रेजेंट। तो पहले ऐसे गवर्नर कह सकते हो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले इंडियन जर्नलिस्ट है जिनको इम्प्रेजेंट किया गया, ठीक है। इसके बाद तो ये कहानी स्टार्टिंग हो जाती है, इसके बाद ये कहानी आगे चली जाती है, फिर उसके बाद इस रोल में आते हैं बाल गंगाधर तिलक, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आता है, कौन, बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बाद लोगों को मास पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, मास ओपिनियन को डेवलप करने के लिए जो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बहुत से तरीके लिए। एक तो उनके दो न्यूज़पेपर्स थे जो वो प्रिंट करते थे, मराठी और कौन सा था, अरे अभी मैंने लिखा था, देखिए याद नहीं आ रहा है कौन सा था, केसरी एंड मराठा जो न्यूज़पेपर छपते थे बाल गंगाधर तिलक के, एक तो उन दो उसके अपने लेख के थ्रू, अपने एडिशन के थ्रू, उससे लोगों को मास ओपिनियन डेवलप करते थे और मास पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने की बात करते थे। दूसरा जो तरीका था उनका वो था कि वहाँ के महाराष्ट्र के फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, गणपति पूजा और देखिएगा गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल, तो ये दो फेस्टिवल्स मनाए जाते थे महाराष्ट्र में आपके। तो इन फेस्टिवल्स के थ्रू, इन फेस्टिवल स्पीचेस के थ्रू, इस फेस्टिवल में जाते थे लोग, आते थे वहां पे ये अपनी स्पीच दिया करते थे, तो उस स्पीच के थ्रू भी लोगों को क्या करते थे, ये मोटिवेट करते थे, ये अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज को, गवर्नमेंट इश्यूज को उनको समझाया करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो ये काफी बाल गंगाधर तिलक बार कर रहे थे। अब बाल गंगाधर तिलक काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके थे, बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश कंपनी को लगता था कि बाल गंगाधर तिलक हद से ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी बीच क्या हो जाता है कि प्लेग आती है यहाँ पे, ठीक है, 1896 और 1897 के करीब में एक प्लेग आती है वहां पे, मतलब महाराष्ट्र के एरिया में एक प्लेग आता है। प्लेग में क्या होता है
प्लेट में कौन गवर्नर जनरल रहता है? तो प्लेट में आपके गवर्नर जनरल यही लॉर्ड रिपन रहते हैं। लॉर्ड रिपन ही रहते हैं गवर्नर जनरल इस समय प्लेग के समय। होता क्या है कि प्लेग आता है, प्लेग की जो गवर्नमेंट की मदरसेस थे बहुत मदद किया था, ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट के मदरसेस में गवर्नमेंट को अपना मतलब वो करने के लिए, गवर्नमेंट को अपनी पूरी सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। किसने सपोर्ट किया? तो आपके बाल गंगाधर तिलक ने उनकी सारी पॉलिसीज तक ब्रिटिशर्स तक पहुँचाने में, या फिर आप कहोगे कि लोगों जो भी पॉलिसीज उनकी हुई थी उन सारी पॉलिसीज को पहुंचाने तक, सरकार तक पहुंचाने में इन्होंने बहुत मदद किया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, सारी पॉलिसीज। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अपनाई वो बहुत मतलब प्रॉब्लम वाली थी। प्रॉब्लम वाली इन द सेंस कहने का मतलब है कि आप जो पॉलिसीज अपनाई गई वो क्या किया गया, सेग्रेशन पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन एंड हाउस चेकिंग। अब एक तो प्लेग आ रहा हुआ था, वहां पर सिचुएशन ये थी कि एक तो प्लेग आया था, लोगों के पास प्लेग से बचने के मदरसेस अपनाने चाहिए थे। तो दोनों ने क्या किया कि लोगों को इसी चीज में बांटना शुरू किया, सेग्रीगेट करना स्टार्ट किया, और सेग्रीगेट के साथ साथ हाउस घरों की तलाशी ली गई। उसमें उस समय लोगों के घरों की तलाशी ली गई जो लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा लोगों को गुस्सा दे दिया इससे, बहुत ही ज्यादा लोग इससे गुस्सा गए। जो प्लेग कमिश्नर था उसका प्लेग का चेयरमैन था, प्लेग कमीशन का चेयरमैन वॉज मर्डर्ड बाई कौन? चापेकर ब्रदर्स। तो कहने का मतलब था कि जिस तरीके का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस तरीके से प्लेग को, वहाँ के 1896 के प्लेग को जो हैंडल किया था जिस तरीके से, वो बहुत दिक्कत का कारण था। उससे लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है, मतलब लोग बहुत ही खफा हो जाते हैं। देयर वाज अ ब्रूटल एंड हार्शियस मेथड वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू हैंडल द प्लेग एट दैट टाइम। और उसी समय में दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार का अरेंजमेंट दिल्ली में हुआ था, उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च किए गए थे। तो ये दोनों ही चीज़ें लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक तो आप प्लेग है उसमें फेमाइन आया था, प्लेग तो बाद में आया था, प्लेग एक पुणे में आता है, फेमाइन उस समय चल रहा था, फेमिन चल रहा उस समय। आप एक तो पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, मतलब एक तो आप पब्लिक पे पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आप खर्च भी कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं, दिल्ली दरबार पे। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देती है और लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं। और इसी खिलाफ के कारण ही जो हमारी वो होती है, ये चापेकर ब्रदर्स क्या करते हैं, वहाँ के चेयरमैन की मर्डर कर देते हैं। अब इस चेयरमैन के मर्डर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बिकॉज ऑफ द मिलिटेंट अप्रोच यूज बाय द बाल गंगाधर तिलक इन न्यूज़पेपर। उन्होंने कहा कि ये जो न्यूज़पेपर जो मतलब कि जो मिलिटेंट टाइप की फीलिंग्स है, जो मिलिटेंट फीलिंग है, वो न्यूज़पेपर से डेवलप हो रही है। किसके न्यूज़पेपर से? बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर से। तो वो क्या करते हैं कि वो बाल गंगाधर तिलक को खोजते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बाल गंगाधर तिलक का अरेस्ट किया गया। तो इसी में होता क्या, इसी में तुरंत एक समय रैंड आर एन डी रैंड इनकी ब्रिटिश ऑफिसर रहते हैं, इनका मर्डर हो जाता है। और जब रैंड की मर्डर होता है, इनका जब एसोसिएशन होता है, तो उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने अपने एक पोएट्री लिखी थी, अपनी एक उसमें प्रिंट किया था, पोएट्री प्रिंट किया था, जिसको उन्होंने कहा क्या था, शिवाजी अट्रेंसेस। ठीक है, शिवाजी अट्रेंसेस नाम की पोएट्री पब्लिश की थी अपनी न्यूज़पेपर में। और उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अफजल खान किलिंग बाय शिवाजी वर जस्टिफाइड बाय बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है, तो ये कहानी हो रही थी यहाँ पे कि जैसे रैंक की डेथ होती है तो उसमें शिवाजी अटरेंस नाम का एक पोएट्री छपती है, उसमें उन्होंने अफजल खान, देखिए ये इमेजिनेटरी पोएट्री थी, दिस वाज एन इमेजिनेटरी पोएट्री पब्लिश बाय बाल गंगाधर तिलक, तो उसमें अफजल खान की किलिंग की बात की गई थी उसमें शिवाजी अटरेंस पोएट्री में, उसमें कहा गया था कि शिवाजी ने अफजल खान को मारा है और उसको बाल गंगाधर तिलक ने जस्टिफाइड किया था। इसी पोएट्री को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको उन्होंने इस तरीके से पोएट्रेट किया कि शिवाजी की जगह पे जो किलर्स हैं रैंड के वो हैं और अफजल खान जो है वो रैंड है, तो उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने एक ब्रिटिश ऑफिशियल की डेथ को, एक ब्रिटिश ऑफिशियल की किलिंग को जस्टिफाइड किया है अपनी न्यूज़पेपर में, दैट इज नॉट द गुड थिंग, और इसी चीज में बाल गंगाधर तिलक को सिडिशन के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और 18 महीने तक उनको जेल हो जाती है। आयो समझ लो, तो इसी चार्ज में 18 महीने की बाल गंगाधर तिलक को जेल होती है और बाल गंगाधर तिलक इम्प्रेजेंट हो जाते हैं सिडिशन के चार्जेस में। ठीक है, अब बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट सेडिशन के चार्जेस को चेंज कर रही थी, आपको पता होगा कि 1870 में, आज भी इसके लिए बहुत इशू चल रहा है क्योंकि इस समय भी रिसेंटली इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बताया है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कि लगभग 136% सेडिशन का यूज हो गया है, लेकिन कन्विक्शन रेट जो है वो 3.3% है, मतलब कि जितने लोग सेडिशन के चार्जेस में बुक किए जा रहे हैं उतने ज्यादा कन्विक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कन्विक्शन रेट बहुत बढ़ गया। तो 1870 में 124A सेक्शन 124A आईपीसी में जोड़ा गया था, ये सेडिशन चार्जेस है, देशद्रोही जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार इसको अमेंड करती रही, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाती रही बाद में, तो ये सारी चीजें थी। तो बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन के चार्जेस में बुक किया जाता है 18 महीने के लिए, और इसके बाद बहुत से जर्नलिस्ट को, महाराष्ट्र के बंबई के बहुत से जर्नलिस्ट को इस चार्जेस में बुक किया जाता है 18 आर्टिकल 124A के तहत। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक फिर इस न्यूज़पेपर के उसमें चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक चले जा सकते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने 1908 में ये सारी कहानी चल रही थी, फिर बाल गंगाधर चूकते हैं, फिर आते हैं बाल गंगाधर तक, फिर अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उनको बाद में भी फिर जेल होगी 6 साल के लिए, मांडले जेल भेज दिया जाएगा उनको, नेशनलिस्ट लीडर, ठीक है, वही मिलिटेंट फोर्सेस के थ्रू, मतलब मिलिटेंसी का यूज करने के लिए बार बार लोगों को भड़काने के ही ऑफेंस में उनको फिर से 6 साल का जेल हो जाएगा और उनको मांडले भेज दिया जाएगा, और फिर जो चार्ज लगाया गया था वो सेडिशन का ही चार्ज लगाया गया था आर्टिकल 124A के थ्रू, फिर बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन का चार्ज ही लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो रेगुलेशन लाया, अब एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, फिर उसको 1882 में रिपीट करके पुलिस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की गई थी, जो अब सारी चीज़ों को देखेगा कि चेक करेगा कि क्या ये फैक्शन के थ्रू है कि नहीं है, तो बस कहने के लिए हटा दिया गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हट गया है, लेकिन पुलिस कमिश्नर तो एक बैठा ही दिया गया था जो इनके रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, इनके अफेक्शंस को दर्शाने के लिए कि अगर कोई भी चीज़ें ऐसी छापी जाती हैं जो सरकार के खिलाफ होगी तो उसको कंडेम कर दिया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। इसके बाद जो इनका एक आता है 1908 में ये क्लियरली एक एक्ट ही ला देते हैं, इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट। अब इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट का मतलब क्या था? इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि वह कोई भी लेख न्यूज़पेपर का, किसी भी न्यूज़पेपर का कोई भी एडिटोरियल अगर किसी भी तरह का डिफेक्शन क्रिएट करता है सरकार के प्रति, या किसी भी तरीके का एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसमें लोग सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ले, या सरकार के खिलाफ या किसी ब्रिटिश ऑफिशियल की किलिंग होती है, क्योंकि उस समय किलिंग बड़ी सुप्रीम कई चीज़ें हो चुकी थी, चार पेपर ब्रदर्स ने रेवेन्यू उसका किल कर चुके थे, राइट की डेथ हो चुकी थी ब्रिटिश ऑफिशियल की, तो काफ़ी लोगों की मर्डर हो चुका था, इसलिए उन्होंने कहा कि डायरेक्टली उन्होंने कहा कि किलिंग या फिर इंसाइटमेंट टू एनी नॉन वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो होगा वो भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसके खिलाफ उनको जेल हो जाएगी, या उनके खिलाफ उनके पब्लिशर्स को बंद कर दिया जाएगा, उनके न्यूज़पेपर को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 1910 का एक्ट था। 1910 के बाद क्या हुआ कि फिर 1908 है ना, ये 1910 में जो आता है वो द प्रेस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इंडियन प्रेस एक्ट आता है। इंडियन प्रेस एक्ट, ठीक है,
इंडियन प्रेस एक्ट में भी कुछ खास नहीं है, ब्रिटेन प्रेस एक्ट में भी यही कहा जाता है कि देखिए भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो गलत रिव्यू मतलब जो पॉलिसीज थी उस पर एक तो रिव्यू किया गया, दूसरा ये कहा गया कि फिर इसमें वही किया गया कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, उस रजिस्ट्रेशन में जो मतलब एक तो लोकल गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट के साथ आपको रजिस्टर्ड होना होगा और लोकल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट अगर चाहे तो न्यूज़पेपर को फोर्टिफाइड कर सकती है अगर उससे ये लगे कि न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ, अगर सरकार के खिलाफ ये न्यूज़पेपर लगता है तो उस न्यूज़पेपर को वो तुरंत फोर्टिफाइड कर सकती है, कौन तो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है लोकल गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया कि अगर आपको लगता है कि न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन क्रिएट कर रही तो ये आपके पास पूरी सिक्योरिटी है, पूरी आपके पास रजिस्ट्रेशन, और देखिएगा वही मैं बोला ना कि सिचुएशन पूरी वही चली आ रही कि अभी भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन के समय आपको लोकल गवर्नमेंट को ये सिक्योर करना है, ये सिक्योरिटी देना है कि आप सरकार के खिलाफ कोई डिसअफेक्शनरी नहीं छापेंगे और अगर आप छापते हैं तो ये सरकार के पास पूरी राइट है कि सरकार उसको तुरंत रिवोक तो उस न्यूज़पेपर को तुरंत सीज कर देगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको दो न्यूज़पेपर के, अगर न्यूज़पेपर है तो डेली, अगर बुक है तो बुक की कॉपी, दो कॉपी फ्री ऑफ चार्जेस सरकार को प्रोवाइड करनी है ताकि सरकार उसको पढ़े, उसको एनालिसिस करे कि कहीं कुछ सरकार के खिलाफ तो नहीं है। अब देखिए सरकार के खिलाफ अगर न्यूज़पेपर में नहीं छापा जाएगा तो छापा क्या जाएगा, हर समय तो आप सरकार की बुराई कर नहीं सकते। तो उन्होंने लिखने को तो बहुत इजीली लिखा है कि सरकार, लेकिन न्यूज़पेपर में कुछ भी थोड़ा भी उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला है तो उठा के तुरंत न्यूज़पेपर को सीज कर देते हैं, तुरंत उनकी सिक्योरिटी मनी को सीज कर देते थे, उनके खिलाफ पीनल पनिशमेंट्स लगाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी बाद में हो रही थी, फिर लास्ट में 1921 के समय में ये दोनों ही एक्ट रिपील हो जाते हैं, 1908 और 1910 को रिपील होता है, कब 1921 में बाय अ कमिटी चेयर्ड बाय तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू 1921 में मतलब 1921 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाय द तेज बहादुर सप्रू के ये दोनों ही पॉलिसीज को, दोनों ही एक्ट को हटा दिया जाता है। तो ये चीजें हुई रहती हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है जरा देखूं मैं कि फिर कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो फिर कोई ऐसी एक्ट, सारे एक्ट चल रहे थे तेज बहादुर सप्रू, उसके बाद तो नॉन वायलेंस का फेज आ जाता है, गांधी जी का फेज आ जाता है, गांधी जी के समय में फिर, अब गांधी जी को भी 1921 में सेडिशन के चार्जेस में क्या किया गया था, बुक किया गया था। तो फिलहाल उससे हमको मतलब नहीं, हमको इन्वेक्टमेंट देखना है। तो 1921 में ये एक्ट रिवोक हो जाते हैं दोनों, 1908 और 1910 के, इतना सीवियर एक्ट नहीं रहता, लेकिन 1931 में, ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर टाइम 1931 में जब सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट चलता रहता तो फिर एक एक्ट आता है जिसको एमरजेंसी पावर एक्ट कहा जाता है, इंडियन प्रेस एमरजेंसी पावर एक्ट, ठीक है, इंडियन एक्ट प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट, ठीक है। ये क्या था, एमरजेंसी पावर एक्ट, एमरजेंसी पावर एक्ट। अब एमरजेंसी पावर एक्ट कब आया था, 1931 में, और इसमें क्या किया गया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया था कि सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के समय कोई भी ऐसी चीज जो सरकार के खिलाफ हो रही है अगर वो न्यूज़पेपर में छप रही तो उस न्यूज़पेपर को आप तुरंत सीज कर दीजिए, उस न्यूज़पेपर को आप तुरंत मतलब उस पर चार्जेस लगा दीजिए या उस पर कुछ भी चीजें उसको पीनल एक्शंस में ले आइए, ठीक है। तो ये वही बात बताया कि 1931 में समय सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट चल रहा था तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये पावर दी गई कि आप पीनल एक्शंस ले सकते हैं, वो कोई भी प्रोपेगेंडा जो सरकार के खिलाफ चलाया जाए सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसी भी न्यूज़पेपर में। तो ये एक एक्ट था 1931 का। तो ये सारे एक्ट डेवलप हुए, तो देखिए सारे एक्ट का सार यही था कि ऑल द एक्ट्स कम टू कर्व द फ्रीडम ऑफ प्रेस, सारे फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्व करने के लिए सारी पॉलिसीज आई थी। सारी पॉलिसीज में ये देखा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक्स्ट्रा कर रही है, मतलब हमेशा प्रेस को रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जो कि गलत था, लेकिन फिर भी इंडियन राइटर्स और इंडियन नेशनलिस्ट की दाद देने पड़े कि वो इन कठिनाइयों के बीच में भी न्यूज़पेपर छापते रहे, जेल जाते रहे, चार्जेस मतलब पनिशमेंट सहते रहे और फिर भी न्यूज़पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने मेंटेन रखा अपने इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पे, ठीक है, कुछ एजुकेशन की पॉलिसीज हैं कुछ उस पर बात करेंगे। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू, स्टे सेफ।